राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वीडियो से आपको पता चल गया होगा देखकर कि मैं कहीं और आ गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने गांव फिर से, और आने के पीछे बहुत ही बड़ी वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और अचानक से मुझे गांव आना पड़ा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखलाती हूँ जो हम सभी को बहुत पसंद है। अगर आपके शहर या गांव में भी मिलता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है खुखड़ी। हम लोग के तरफ इसे खुखड़ी बोलते हैं। और ये मशरूम भी है जो बरसात में निकलती है, सावन भादों के समय। और मशरूम तो हमें 12 महीने मिलते हैं, लेकिन ये अपने सीजन में ही निकलती है। और यहाँ देखिए गंदा पानी, ये गंगा जल है। पापा गए थे ना राखी का सामान लाने, और पीहू लल्ला भी साथ में आए हैं। राजा अपनी नानी के साथ है, राजा को फिर से नहीं लेकर आए। ऐसा ही पानी होता है, अभी बरसात का पानी है ना, इसीलिए कहा। और अभी मैं आ गई हूँ खिड़की साइड पीछे की तरफ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सारे आम के पेड़ है। और यहाँ देखिए मनी प्लांट का पौधा, जब मैं इसे लेकर आई थी बहुत ही छोटा था, और ये आम का पेड़ है, काफ़ी बड़ा हो गया है। और इधर तुलसी माता का देखिए पौधा है, और ये है करी पत्ता का पेड़ जो बहुत बड़ा हो गया है। बहुत ही छोटा सा पौधा था ये, और आम का भी पेड़ बड़ा हो चुका है। और ये है हमारा मेन गेट, इधर से ही हम आते हैं, पीछे में भी गेट है। और यहाँ देखिए शाम का समय हो चुका है, और गैया आ चुकी है, और दो गाय हैं, दोनों के बच्चे हैं, और अभी ये चारा खा रही है। और पापा जी अभी गैया को दूहेंगे, क्योंकि अब दूध दूहने का टाइम हो चुका है। और यहाँ देखिए ये मिर्ची का पौधा है, और इसमें मिर्ची लगी हुई है, लेकिन अभी छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। और यहाँ भी देखिए ये मनी प्लांट का पौधा, ये भी बहुत बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे ये लल्ला डायरी लेके आ गया है अपने पापा का, और बनवासी शुरू हो चुका है इसका आते के साथ। तो पहले मैं डायरी रखवा देती हूँ, कहीं इधर उधर ना रख दे। तो फ्रेंड्स, अभी हम छत पे जाएंगे और मैं आपको दिखलाऊंगी। अभी यहाँ आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि दरवाज़ा बंद है छत का, वैसे भी कोई यहाँ रहता नहीं है। तो बच्चे जब आते हैं तो छत पे जाते हैं, और मैं भी उनके साथ जाती हूँ, तो सारे तरफ दरवाज़ा बंद ही रहता है, और बारिश का मौसम है। तो यहाँ देखिए दरवाज़ा खुलते के साथ, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, मैं भी बच्ची बन गई। और बादल पूरा किया हुआ है, कभी भी बरसात हो सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वहाँ फ्रेंड्स सामने में बहुत ही बड़ा स्कूल बनने वाला है, अभी टाइम लगेगा इसे बनने में। और यहाँ देखिए नीचे के तरफ गैया चारा खा रही है, और छत पे हम थोड़ी देर टहलेंगे, उसके बाद फिर हम नीचे चले जाएंगे। चलो लल्ला, थक गया लल्ला, चलो आगे दादी लगता है, चलो 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 दूध चढ़ा के आए, हम जा रहे हैं, डायरी लेके चलो। बादल भी नहीं उठा नहीं सकेगी, चलो चलो बंद कर देते हैं गेट, दरवाजा को बंद कर देते हैं। कल बाजार है, ऐसे पतला करके और एकदम ऐसे छोटा छोटा बाल्टी से गोल गोल गोला गोला को फाड़ेंगे, देखिए इसे गोला गोला बहुत मुलायम होता है। और खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है, और इसे मैं अभी बनाऊंगी, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो अभी मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, प्याज फ्राई हो चुका है, और इसमें मैंने ये मशरूम डाल दिया है, जिसे हम खुखड़ी भी बोलते हैं। तो इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी निकलता है। लाइट यहाँ चली गई है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बारिश
भी नहीं हो रही है लेकिन बादल गड़गड़ कर रहे हैं। तो अभी कुकड़ी बनाएंगे हम और इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर एक बार आपने चख लिया ना तो आप हर साल इंतजार करोगे बारिश के मौसम में कि कभी ये मिले और हम बनाएं और खाएं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए मैं बनाऊंगी और आप देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है और पानी इससे निकलना शुरू हो चुका है, और जब मैं नमक डालूंगी तो और भी इसमें पानी निकलेगा। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ देखिए हमारा मसाला, इसे मैं सिलोट पे पीसूंगी, क्योंकि लाइट चली गई है इसलिए सिलोट पे ही पीसना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका सारा पानी देखिए सूख चुका है, और इसे मैं अभी थोड़ा फ्राई करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा और ज़्यादा लाल होगा और ये बहुत ही अच्छे से भुना जाता है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी और फिर मसाले के साथ भुनूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पहले मैं इसमें नमक डाल देती तो और भी ज़्यादा इससे पानी निकलता है, तो अभी बहुत कम निकलेगा और फिर ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा, फिर मसाला इसमें ऐड करना होगा। और अब ये पूरी तरह से अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इससे पानी निकलती है। तो इसमें मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे मसाले के साथ भुनूंगी और उसके बाद फिर हम सब खाना खाएंगे, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ, सुबह ही निकली थी और आते आते शाम हो गया। तो बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद सभी को खिलाने के बाद मैं भी खा के और थोड़ी देर आराम करूंगी, वैसे भी रात हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा कुकड़ी बनकर तैयार है, इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ये लटपटा सा रहेगा, ग्रेवी इसमें थोड़ा रहेगा और ये गल के थोड़ा ही सा हो जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है खा। तो आपने देखी रेसिपी, अभी रात हो चुकी है इसलिए आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ लाइट चली गई है, इन्वर्टर से ये लाइट जल रही है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।